दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले Xiaomi के MIUI की बहुत ही अमेजिंग फीचर के बारे में। आप देखो ये वाली ट्रिक HyperOS में वर्क नहीं करेगी। अगर आपके पास HyperOS का वर्जन है आपके स्मार्टफोन में तो आप इस वाली वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट हो सका तो इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको एक बार चेकआउट कर लेना, हो सकता है आपके HyperOS में ये वाला फीचर सपोर्ट कर जाए बट MIUI में कम्प्लीट वर्क करेगी। आपको होम स्क्रीन कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बहुत ही अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूँ। कंट्रोल पैनल भी आपका यहाँ पे चेंज करने वाला हूं, उसी के साथ आप लॉक स्क्रीन देखोगे, ये भी एक डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा जहां पे आप कस्टम वॉलपेपर के साथ डिफरेंट टाइप की विजिट को अप्लाई कर सकते हो एंड कलर कॉम्बिनेशन एंड जो एनिमेशन है सब कुछ आप चेंज कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आप में से काफी लोग कमेंट नहीं करते प्लीज कमेंट भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम लॉक स्क्रीन से, तो लॉक स्क्रीन बहुत ज़्यादा सुपर है। अभी मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद दो डिफरेंट टाइप के फीचर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई करके इन सेटअप्स को क्रिएट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे आपको एक एरोप्लेन वाला एक इफेक्ट भी देखने को मिलता है जो कि देखने में यार काफ़ी ज़्यादा सुपर इफेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड विजिट आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, विजिट का कलर वॉलपेपर के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना। एंड यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप का वॉलपेपर अप्लाई कर रखा है एंड यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। बॉटम में iOS का जैसा एक टॉगल्स देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी नेम को मैंशन कर सकते हो। ओवरऑल लॉक स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा सुपर है। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होम स्क्रीन के बारे में, तो होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन से भी ज़्यादा सुपर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक डिफरेंट टाइप का एनिमेशन देखने को मिलता है। जब भी आप होम स्क्रीन को ऑन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट होगा विजिट में, साथ ही आप आइकन्स देख सकते हो। अब देखो मैं इस वाले सेटअप को क्रिएट कर रहा था तब सोच रहा था कि आइकन्स को एनिमेशन वाला बनाऊं, बट मैंने ये वाले आइकन्स थोड़ा ज्यादा यूज कर लिए। आप देख सकते हो काफी अच्छे आइकन्स है एंड कंप्लीट यहाँ पे सिस्टम आइकन्स इनटू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखने को मिलता है, वो कलरफुल आइकन्स है एंड काफी अमेजिंग आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है एंड आपको जो शेप देखने को मिलती है वो भी काफी ज्यादा सुपर है। अब यहाँ पे देखो बात करें कंट्रोल पैनल के बारे में, तो ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पे देखो मैंने ऑन किया तो यहाँ पे देख सकते हो जो आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है वो ब्लर हो जाता है एंड टूगल्स आप देख सकते हो ये भी डिफरेंट टाइप के देखने को मिलता है। कंप्लीट टूगल्स में एक डिफरेंट शेप देखने को मिलती है एंड कॉम्बिनेशन भी काफी ज्यादा सुपर है। टॉप में आप देख सकते हो एक आपको स्टेटस बार डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है एंड कंप्लीट यहाँ पे नेटवर्क्स का लोगो भी कंप्लीट चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो बात करें सिस्टम यूआई के बारे में, तो सिस्टम यूआई आपके सामने कुछ ऐसी देखने को मिलती है, ये भी कंप्लीट चेंज हो जाएगी एंड जो भी मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ आप उनको लाइट मोड डार्क मोड दोनों में यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब देखो बात करते हैं इन सभी फीचर्स को आप कैसे अप्लाई करोगी, तो अप्लाई करना सिंपल है, आपको कैसे डाउनलोड करना है। अब देखो आपको थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है, तो आपको देखो सर्च बार में टाइप करना पड़ेगा COLORED V12 आपको टाइप करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये वाला नेम आप जैसे टाइप करोगे फर्स्ट नंबर पे आपको थीम देखने को मिलेगी, पहले आप नेम देख लो, ये वाला नेम टाइप करना, उसके बाद आपको ये वाली थीम डाउनलोड करना है, फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल जाएगी। तो थीम को डाउनलोड करने के बाद कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, ओनली इसको लॉक स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करना, बट पहले ये वाली ही थीम अप्लाई करना है। तो थीम को डाउनलोड करने के बाद लॉक स्क्रीन के ऊपर इसको अप्लाई कर देना। अब देखो बात करते हैं सेकंड थीम के बारे में, अब यहाँ पे टाइप करना GSTONES, उसके बाद आपको यहाँ पे UI टाइप करना है, यहाँ पे आप नेम देख सकते हो GSTONES UI। सर्च करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना, फर्स्ट नंबर पे ही देखने को मिलेगी, वॉलपेपर को ध्यान में रखना। उसके बाद ये वाली थीम जैसे डाउनलोड कर लोगे कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, होम स्क्रीन आइकन्स एंड सिस्टम UI के ऊपर इसको कंप्लीट अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए वो कंप्लीट अप्लाई हो जाएंगे। आप देखो दोनों थीम्स को अप्लाई करने के बाद लॉक स्क्रीन को कैसे कस्टमाइज करोगे, तो माय अकाउंट में आना, लॉक स्टाइल के ऊपर क्लिक करना, फिर उसके बाद कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर स्टाइल वाला ऑप्शन, यहाँ पे टैप करके इसको कस्टम के ऊपर सेट कर देना। सेट करने के बाद कस्टम लॉक स्क्रीन वॉलपेपर के ऊपर टैप करके जो यहाँ पे मैंने वॉलपेपर यूज किए अगर आप उनको अप्लाई करना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं सभी वॉलपेपर्स अपलोड कर दूंगा हाई क्वालिटी के, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ पे क्लिक आप इनको पेस्ट कर देना तो कंप्लीट आपके सामने वर्क करेगा, ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा फीचर है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं मिलता हूं आपसे किसी और डिफरेंट टाइप के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।